भाई और बहनों, कांग्रेस में ईमानदारी होती, देश के लिए कुछ करने का जज्बा होता तो वो सत्ता के इतने वर्षों में बहुत कुछ कर सकती थी। लेकिन उसने वोट बैंक की राजनीति की, सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बनाया और लोगों से झूठ बोलकर उन्हें धोखा दिया। साथियों, यहां राजस्थान में लोग आकर के चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे, बड़े बड़े लोग आके कह रहे थे कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ कर दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? कर्ज माफ हुआ क्या? कर्ज माफ हुआ क्या? लेकिन बताया यही जा रहा है कि राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ हो गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कर्ज माफ हुआ है? आप में से किसी का कर्ज माफ हुआ है तो हाथ ऊपर करिए। कोई है क्या? कोई है क्या? पूरे देश ये देख रहा है, ये टीवी वाले जरूर दिखाएंगे कि ये राजस्थान का ये झूठ पूरे देश में फैलाया जा रहा है। अब आप देश को बताइए कि आपसे ही नहीं, पूरे देश से एक और झूठ बोला जा रहा है। साथियों, देश से पिछले 7 दशकों से ये लोग ऐसा ही झूठ बोलते आए हैं। इनकी केवल 3 सच्चाइयां हैं, उसमें वो झूठे नहीं होते हैं। इनके आचार में, विचार में, व्यवहार में, कल्चर में ये 3 बातें पक्की है। ये 3 कौन सी है? 3 बातें कौन सी सच्ची है? उनकी सच्चाइयां हैं, एक तो है नामदार परिवार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों की भरमार। इसके अलावा कुछ नहीं है। भाइयों और बहनों, जिन किसानों को कांग्रेस ने ठगा, आज उनके साथ क्या सलूक हो रहा है? आज जब वो हिसाब मांग रहे हैं तो कांग्रेस के मंत्री किसानों का गिरेबान पकड़कर उनको गालियां दे रहे हैं। यहां पड़ोस में बरान में ही किसानों पर यूरिया के लिए लाठियां चली थी। 5 वर्षों में पूरे देश में कहीं भी यूरिया की दिक्कत नहीं आई, लेकिन यहां कांग्रेस सरकार बनते ही बिचौलियों की बैटरी चार्ज हो गई है।